हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज की इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूँ सर्वर, वो भी हाई पिक्सल जैसा। सेम टू सेम तो नहीं बोलूँगा, पर थोड़ा मोड़ा तो मिल जाएगा, क्योंकि ये सर्वर बहुत अच्छा है। क्योंकि इसमें सर्वर में ये पहले इसका 2-3 वर्जन आ चुका है, तो ये इसका 3rd-4th वर्जन है। तो मैं आप लोगों को ये सर्वर का नाम बताता हूँ, जिसका ये सर्वर का नाम है प्रोजेक्ट एरिया। तो हम लोग पहले आ जाते हैं पहले अपने फर्स्ट पर्सन में, उसके बाद मैं आप लोगों को पूरा सर्वर का टूर देता हूँ। A few moments later. तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैं आ चुका अपने फर्स्ट पर्सन पर। तो आप लोगों को जैसे ही स्पॉन होंगे, तो आप लोग उस बालकनी में स्पॉन होंगे जहां पर मेरा प्लस का आइकन है। तो आप लोगों को ऐसा एक घर मिल जाएगा जो कि एकदम बकवास लग रहा है मेरे को, क्योंकि ये स्काई ब्लॉक सर्वाइवल है, तो इन लोगों को घर नहीं देना चाहिए था। तो शायद से अपकमिंग वर्जन में ये लोग ठीक कर दें इसको, तो हम लोग उसको नहीं करते हैं। तो आप लोग कुछ ऐसा आप लोगों को घर मिल जाएगा, इसके नीचे आप लोगों को बेसमेंट भी है एक, तो इसके नीचे भी एक और बेसमेंट है। आप लोग देख लीजिएगा, पूरा का पूरा टूर कर लीजिएगा। तो हम लोग चलते डायरेक्ट ऊपर, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ पूरा का पूरा सर्वर। तो यह है आप लोग का पूरा लैंड, जहाँ की आप लोग सर्वाइव करना है आप लोगों को। तो यह है आपका लैंड, और आप लोगों को इधर मिल जाएगा कुछ, इतना बड़ा लैंड है ना, जो कि एकदम बकवास लग रहा है मेरे को। तो आप लोग को इधर 3 चीज़ मिल जाएंगे, चेस्ट जो कि खाली है, फर्नेस जो कि और खाली है, और एक क्राफ्टिंग टेबल जो कि वनीला वाला है। पर नहीं, हम लोग इसको बना भी सकते हैं हाई पिक्सल जैसा। जैसे कि आप लोग क्राउच करेंगे ना, तो इस पर क्लिक कर देंगे, तो आप लोगों को हाई पिक्सल वाला मिल जाएगा क्राफ्टिंग टेबल। तो उस ये हाई पिक्सल वाला बहुत काम का चीज़ है, मिनियन बनाना है तो उसी में बनेगा। तो हम लोग चलते हैं अपने हब में। तो आप लोग वीडियो पूरा का पूरा देखें, और आईपी पॉट लेकर चले मत जाइएगा, आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देखें। तो हम लोग आ चुके हैं, चलते हैं हम लोग डायरेक्ट हब में। तो हब में जाने के लिए थोड़ा सा टाइम लेगा, जैसे कि सर्वर लोड लेता है ना, सर्वर ज्वाइन करते हैं तो वैसे ही ये भी टाइम लेगा। तो उसके हम लोग हब में जाने के बाद मिलते हैं आप सभी से। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग आ चुके हैं अपने हब में। तो आप लोग देख सकते हैं ये है कुछ हब जो कि हाई पिक्सल जैसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है हाई पिक्सल जैसा। तो ये वाली वीडियो ना बहुत छोटा होगा, 10 से 15 मिनट का होगा, ये ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, क्योंकि आप लोग पूरा का पूरा वीडियो नहीं देखते हैं इसीलिए। और हम लोग का प्रीवियस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करें, जो कि लास्ट में मिल जाएगा, तो मैं आप लोग को लास्ट में बता दूंगा। पहले हम लोग चलते हैं हब के वो क्या होते हैं बोलते हैं एक्सप्लोरिंग पर जो दोस्तों। तो इधर आप लोग को फर्स्ट में जैसे ही स्पॉन होंगे, तो आप लोग इधर बोट गाय मिल जाएगा, जो कि एकदम बेकामिल है, तो इसको आप लोग इग्नोर मारिए। जहाँ ये बोट गाय करता क्या है, तो ये बोट गाय आप लोग को बोट्स देता है, बोट्स। और इधर आप लोग को बैंक मिल जाएगा, जो कि हाई पिक्सल में होता है ना, देखिए स्क्रीन पर लिखा हुआ होता है कि इस जगह में आ गए आप लोग। तो इधर बैंकर अभी आ नहीं रहा है, क्योंकि इधर ये सर्वर ना 2-3 दिन ही हुए हैं इसको लॉन्च हुए। तो बैंक इसको डिस्कॉर्ड सर्वर में बोले ये लोग कि जल्दी से जल्दी बैंक को ऐड कर देंगे, 1-2 दिन लगेगा बैंक और ऐड होने में। और इधर क्या लिखा हुआ है, तो इधर स्लैश आर रेडियो टू कंट्रोल म्यूजिक। ओ कंट्रोल भी आप लोग म्यूजिक भी कंट्रोल कर सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों। तो इधर आप लोग को एक और मेरचेंट मिल जाएगा, जो कि अभी नहीं आ रहा, तो वो जल्दी ही आ जाएगा। तो आप लोग को फर्स्ट में इधर मैं फर्स्ट से दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो इधर है फर्स्ट वाला साइड से, तो इधर है फर्स्ट वाला साइड से। ये अभी ये लोग ऐड करेंगे, क्योंकि मैंने बोला था ना 2-3 दिन ही हुए, और इसमें सर्वर बंदे देखेंगे कितना है, इसमें बंदे देखिए पहले कितने लोग हैं, देख सकते हैं इधर कितने लोग खेल रहे हैं, 1-2 ही दिन हुआ है इसका लॉन्च हुए। तो इधर आप लोगों को फर्स्ट में आप लोगों को NPC मिल जाएगा फार्मिंग का, तो इस पर क्लिक करके आप लोग कोई भी चीज़ ले सकते हैं। तो मेरे को लेना है जैसे कि कैरेट, तो कैरेट पर क्लिक करके आप लोग जो 1 चाहिए, 8 चाहिए, 16 चाहिए, या फिर हाफ स्टैक चाहिए, तो आप लोग जितना चाहिए उतना ले सकते हैं। तो मेरे को 8 लेना है, तो 8 पर क्लिक करके आप लोग ले सकते हैं। जैसे कि आप लोग मेरे इन्वेंट्री में देख सकते हैं, मेरे पास 8 कैरेट आ चुका है। तो उसके बाद आप लोग को अगर ये कैरेट को सेल करना है ना पूरा का पूरा, तो आप लोग जितना कैरेट है उतना पर क्लिक करके जितना बेचना है उतना बेच सकते हैं, और आप लोगों को उतना रुपये भी मिलेंगे। तो इधर कॉइन्स आप लोगों को 8 ही मिलेंगे, बस 8 ही मिलेंगे कॉइन साइड से। हाँ, 25 कॉइन आप लोगों को 8 ही मिलेंगे, 1 पर ईच। तो इसको मैं सेल कर देता हूँ फिर से। तो इधर आप लोगों को जैसे ही ज्वाइन करेंगे ना, तो आप लोगों को 10,000 रुपये मिलेंगे, 10,000। 10,000 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट है तो इधर इस सर्वर के लिए। तो आप लोगों को 10,000 रुपये मिलेंगे। उसके बाद आप लोगों को इधर मिलेगा आप लोगों को एक माइनर, जो कि आप लोगों को सामान सब देगा, गोल्ड वोल्ड डायमंड वायमंड देगा, इधर वाटर बकेट, लावा बकेट, कॉबल स्टोन, तो आप लोग बाई कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था बाई कर सकते हैं। तो और इधर आप लोगों को मिल जाएगा एक बिल्डर NPC। तो इसमें अभी NPC आएंगे, इसमें NPC बहुत सारे NPC आएंगे, और ये सर्वर बहुत, इसमें 999 का वो है सर्वर लिमिट,
तो अब हम लोग इधर चलते हैं वंडरिंग पर। तो वंडरिंग पर आप लोग को इधर मिलेगा दो चीज़, एक मिलेगा फार्म और मिलेगा एक ग्रेवयार्ड। तो ग्रेवयार्ड आप लोग को इधर मिल जाएगा ग्रेवयार्ड। तो इधर सामने आएंगे तो इधर आइए, ये ग्रेवयार्ड आप लोग जैसे कि देख सकते हैं। इधर मैं अंदर से इसमें अपना डायमंड रखा हुआ था, तो मैं इधर से डायमंड ले लेता हूँ इधर से। तो इधर आप लोग एंडर चेस्ट में रख भी सकते हैं, आप लोगों का सामान बिल्कुल सेफ रहेगा। और यह है ग्रेवयार्ड, तो देख सकते हैं ये रात का समय। अरे भाई साहब, जैसे कि देख सकते हैं मेरे को एक शॉट में ही किल कर दिया भाई ये लोग। तो मैं वापस से आ चुका है, मेरा सामान का पूरा सामान मिल चुका है। तो मेरे को एक शॉट में ही किल कर दिया। और रात का टाइम ये लोग स्पॉन नहीं होंगे, एक भी नहीं, एक तो हो जाएंगे पर पूरा का पूरा नहीं होंगे, एक दो होएंगे। तो आप लोगों को ध्यान रखिएगा उसका। और आप लोग मरेंगे ना तो आप लोगों को एक्सपी कम होगा, जैसे नीचे देख रहे हैं कभी कभी आता है ना दिखाने के लिए, तो वो कम हो जाएगा। तो मैं ग्रेवयार्ड में तो अब जाऊँगा ही नहीं, क्योंकि मेरे को वन शॉट किल गया यार, वन टैप मार दिया यार मेरे को हेडशॉट डायरेक्ट। तो ग्रेवयार्ड को आप छोड़ते हैं। और उसके बाद आप लोग को इधर एक और चीज़ मिल जाएगा, शायद से ये एक्सकेलेटन का कुछ बना हुआ है, तो ये अभी बन रहा है। तो और आप लोग को इसके सामने हाँ दोस्तों, ये स्केलेटन का कुछ नहीं है, आप लोग को ये पीवीपी मिल जाएगा अपने दोस्तों के साथ लड़ने के लिए, वो भी 1v1 पट्ट से हेडशॉट मारने के लिए। तो आप लोग ये खुल जाएगा, दो तीन दिन ही लगेंगे, पूरा सेटअप कर देंगे ये लोग। और उसके बाद आप लोग को इधर मिलेगा वो टेलीपोर्टर, जो कि आप लोग जा सकते हैं फार्म हाउस पर। तो इधर आप लोगों को स्टिल खड़ा हो जाना, क्राउस कर लेंगे तो जल्दी होएगा, तो क्राउस कर लीजिएगा और आप लोग टेलीपोर्ट हो जाएंगे फार्म पर। तो देखिए मैं टेलीपोर्ट हो गया हूँ फार्म पर, फार्म पर आप लोग आ जाएंगे इजीली। तो मैं फार्म पर आ चुका हूँ, तो ये थोड़ा सा मैं पहले लोड होने देता हूँ, नहीं तो ये क्या हुआ, वो शायद से मैं उधर ही स्टिल हो गया ना, तो इसीलिए ये काउंटर चल रहा था। तो इधर मैं आ चुका हूँ फिर से फार्म पर, तो इस पर से मैं पहले हट जाता हूँ, नहीं तो फिर से टेलीपोर्ट करा देगा। तो इसको पहले मैं लोड होने दे देता हूँ, नहीं तो बहुत लैग करेगा। देख सकते कितना सामान पड़ा हुआ है, क्योंकि बंदे सब कलेक्ट कभी कभी नहीं करते। तो हो चुका है, तो देख सकते इधर यही है पूरा का पूरा फार्म, बहुत बड़ा फार्म है। इधर आप लोगों को मैं चल के दिखा देता हूँ क्या क्या है। तो इधर तो पहले आप लोगों को मिल जाएगा लावा, जो कि आप लोग इधर अपने सामान फेंक कर ना जला भी सकते हैं, जो सामान का काम नहीं है। तो मैं इधर टॉर्च फेंक देता हूँ, तो चार ये कुछ लिख कर आया, तो उसको इग्नोर मारिए। और आप लोग को इधर मिल जाएगा कैक्टस मिलेगा, आप लोग को इधर शुगर कैन मिलेगा। शुगर कैन को अगर ये कभी कभी ना नीचे से भी टूट जाता है, तो कभी कभी लगता नहीं है, तो आप लोग खुद से लगा लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को मिल जाएगा इधर वुड का फार्म, वुड। तो इधर पार्कोर करते हैं हम लोग, तो वुड मिल जाएगा। और इसके बाद ये क्या है, ये कुछ अभी इसका सेट होगा, यानी कि आगे से ये देखेंगे। तो हम लोग चलते हैं, पहले अपना अचीवमेंट कंप्लीट कर देते हैं गेटिंग वुड का। तो शायद से मेरा कंप्लीट होगा, क्योंकि मैंने अपने लैंड पर ले लिया था, हाँ तो मेरा पहले से ही कंप्लीट है। तो हम लोग चलते हैं डायरेक्ट अब ऊपर, यानी कि फार्म पर, जहाँ पर वीट ईट ये सब मिलेगा हम लोगों को। तो चलिए हम लोग चलते हैं ऊपर भगवान के पास, नहीं ऊपर, बस ऊपर। तो देख सकते हैं इधर फार्म है, पूरा वीट फार्म है दोस्तों। देख सकते हैं कितना बड़ा, एकदम हरा भरा, सॉरी एकदम पीला वीट फार्म। तो मैं कितना छोड़ दिया, तो उसको इग्नोर मारिए, क्योंकि मैं सर्वर खेलूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं आप लोगों को दूंगा, क्योंकि भाई वो सब छोड़िए, मेरा बहुत वो होगा। तो इधर आप लोग कैरोट मिलेगा, या बनी बना देंगे आप लोग, यानी कि रैबिट बना देंगे, खरगोश बना देंगे आप लोगों को, कैरेट खिला कर इतना कैरेट खिलाएंगे ये लोग। तो इधर कैरेट ये सब मिल जाएगा आप लोगों को। तो कैरेट आप लोग बाई नहीं, आप लोग फार्म कर सकते हैं, यानी कि हार्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग को इधर मिलेगा क्या, पटैटो, जो कि अंदर जा सकते हैं इस रास्ते से। और आप लोग को देख सकते हैं इधर कितना है, क्योंकि मैंने इससे पहले आया था ना, तो इधर बहुत कम थे, यानी कि जीरो मेरे हिसाब से जीरो। तो इधर देख सकते हैं ये बंदा कितना जल्दी आ रहा है, किल करके भाग जा रहा है भाई, मेरे के लिए छोड़ दे भाई। देख सकते टू देख रहे हैं, यही बंदा मार कर भाग जा रहा था, तो मैं सोच रहा था कि भाई मेरे पास आ ही नहीं रहे हैं। तो ये इसके साथ आप लोगों को इधर बर्न हाउस मिलेगा, जो कि एकदम कामिल नहीं है अभी के लिए, बाद में तो हो जाएगा। तो आप लोग को देख सकते हैं फार्म बहुत बड़ा है, और इतना ओपी है ना भाई, इतना ओपी है कि क्या बोलूँ। उसके बाद आप लोगों को टेलीपोर्ट होना है फिर से हब में, तो आप लोग इधर जाकर कर सकते हैं, या फिर आप लोग डायरेक्ट हब भी कर सकते। तो मेरा पोज का बटन टिपा गया था, क्लिक हो गया था तो मैं चलता हूँ डायरेक्ट हब में। तो हब में जाने के लिए स्लैश हब कर दे, आ जाएंगे आप लोग डायरेक्ट हब में। हब में आने के बाद लोड होने देना है हम लोगों को। ओ लोड हो जा, लोड हो जा, लोड हो जा।
हाँ तो गाइस लोड हो चुका है ये। तो लोड हो जाने के बाद इधर आप लोगों को मिल जाएगा एक नाकाम एनपीसी जो कि एकदम बेकार है, जो कि कुछ काम का नहीं है अभी के लिए, बाद में इसका यानी कि 2-3 दिन बाद इसका बहुत काम होगा। तो उसको इग्नोर मारिए मेरा वॉइस को, तो उसको छोड़िए। उसके बाद आप लोग को इधर मिल जाएगा पूरा का पूरा फिर से लॉबी में मिल जाएगा, तो कितना मिलेगा। तो उसके बाद मैं आप लोगों को चलता हूँ दिखाने कि आप लोग कैसे मिनियंस बना सकते हैं। बाय करने के लिए ऑप्शन नहीं है सर इधर, आप लोगों को बनाना पड़ेगा। और इसमें कस्टम रेसिपीज भी है, अभी ये 2-3 दिन ही हुआ है तो इतना रेसिपी है, और सोचिए अगर ये 4-5 दिन और दे देगा तो कितना रेसिपी आ जाएगा। तो आप लोगों को डायरेक्ट वो हाई पिक्सल वाला क्राफ्टिंग टेबल खोल लेना है क्राउच होकर इसको ओपन कर ले, उसके बाद आप लोगों को इधर मिल जाएगा। उसके बाद इसमें आप लोग ना ये नॉर्मल चीज़ ये सब क्राफ्ट नहीं कर पाएंगे, जो ये मैं फिर से करके दिखा देता हूँ। आप लोग इसमें नॉर्मल चीज़ क्राफ्ट नहीं कर पाएंगे, जो कि ये हैबल ब्रेड ये सब होता है ना, आप लोग बिल्कुल क्राफ्ट नहीं कर पाएंगे। आप लोगों को इसमें ये हाई पिक्सल वाला इसीलिए दिया है क्योंकि आप लोग इसमें ना मिनियंस एन्चेंटेड ये सब क्राफ्ट कर सकते हैं। तो मैं चलिए डायरेक्ट इसका रेसिपी बता देता हूँ। तो आप लोग डायरेक्ट हाई पिक्सल वाला क्राफ्टिंग टेबल खोल लीजिएगा, उसके बाद ये रेसिपी बुक नीचे की तरफ आएगा, उस पर क्लिक करके आप लोग इतना रेसिपी मिल जाएगा। तो ये बहुत कम नहीं है, इसके अंदर भी रेसिपीज है। तो इधर मिल जाएगा स्पीड टेस्ट, इसमें आर्मर वार्मर मिलेगा आप लोगों को, माइनिंग आइटम, तो माइनिंग के लिए आर्मर मिलेगा आप लोगों को, देख सकते हैं माइनिंग हेलमेट, स्ट्रेंथ, हेल्थ ये सब मिलेगा। उसके बाद आप लोगों को इधर पिकैक्स भी मिल जाएगा, माइनिंग टूल, अनकॉमन, एफिशिएंसी 5। तो इसके बाद आप लोग इसको क्राफ्ट भी कर सकते हैं, जो जैसे कि मेरे को ये पिकैक्स क्राफ्ट करना है तो इस पर क्लिक कर दे तो आप लोगों को मिल जाएगा ऑप्शन क्राफ्ट करने का, पर आप लोग ले नहीं सकते। तो आप लोगों को इधर कबलस्टोन, इंचेंटेड कबलस्टोन 10-10 लगाकर हो जाएगा। तो आप लोगों को उसके बाद आप लोगों को ये इंचेंटेड कबलस्टोन कहाँ से मिलेगा तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो आप लोगों को वैसे ही रेसिपी बुक में आना है, उसके बाद आप लोगों को इधर एंचेंटेड आइटम्स में आकर क्लिक कर देना, तो आप लोगों को इधर इंचेंटेड थिंग्स मिल जाएगा। तो जैसे कि ये कबलस्टोन बनाना है तो इस पर क्लिक कर दें तो आप लोग स्टैक यानी कि 3 स्टैक कबलस्टोन लगेगा, तो आप लोगों को 1 मिलेगा इंचेंटेड कबलस्टोन, यानी कि 2 एक्सपेंसिव। तो चलते हैं हम लोग डायरेक्ट अपने मिनियंस पर। तो मिनियंस पर आप लोगों को इधर चिकन स्पॉन एग पर क्लिक कर दीजिएगा, जैसे इधर लिखा हुआ है मिनियंस, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा मिनियंस। तो ये चेस्ट है, एक स्मॉल मिनियन स्टोरेज है मिनियंस का। तो इधर आप लोगों को मैं बताऊं डायमंड्स मिनियन किधर है, तो ये है डायमंड्स मिनियन, गोल्ड मिनियन है सॉरी, ये है डायमंड्स मिनियन। तो डायमंड मिनियन का मैं आप लोगों को रेसिपी दिखा देता हूँ दोस्तों। तो इधर रेसिपी देख सकते हैं, 10 डायमंड हो गया कैन, यानी कि एक स्टैक भाई, एक स्टैक लग रहा है भाई, एक स्टैक और 16 डायमंड, एक स्टैक 16 डायमंड से आप लोगों को मिलेगा डायमंड मिनियन। तो मेरे पास अभी तो क्राफ्ट करने का वो औकात नहीं है, तो छोड़िए वो सबको। तो मैं आप लोगों को और मिनियन दिखा देता हूँ कि क्या 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 है। और इधर आप लोगों को कंपेरिटर मिलेगा, इधर आप लोगों को कैरेट फ्यूल मिलेगा जो कि पता नहीं है क्या काम का है। तो इधर आप लोगों को इंचेंटेड कैरेट्स ये सब लगेगा आप लोगों को बनाने के लिए। तो पूरा का पूरा सर्वर आप लोग देख सकते हैं, इसमें मैं पूरा का पूरा सामान अपना रख देता हूँ जो कि बिना एकदम कामिल नहीं है, तो एक डायमंड भी रहने देते हैं। तो ये देख सकते हैं पूरा का पूरा सर्वर है, और आप लोग ज़रूर से ज्वाइन करिए ये सर्वर, क्योंकि इसमें अपकमिंग इतने मस्त मस्त आइटम आएंगे ना। अभी देखिए ये अभी सर्वर पूरा का पूरा तरीके से लॉन्च नहीं हुआ है, अभी ये थोड़ा सा बाकी है। तो आप लोग अभी से ही खेलने का स्टार्ट कर दिए, जो कि तब जब ये सर्वर पूरा का पूरा लॉन्च हो जाएगा ना, तब आप लोग, ये मैंने बताना ही भूल गया कि इसमें आप लोग आएंगे ना, तो इसमें आप लोग जाकर टेलीपोर्ट हो सकते हैं, जैसे कि हाई पिक्सल में होता है हब में जा सकते हैं। तो मैं बोल रहा था कि आप लोग अभी से ही खेलना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जब तक ये इसका पूरा का पूरा फुल ये सर्वर बन जाएगा ना, तब तक आपके पास आप सर्वर के सबसे अमीर आदमी रहेंगे, और आप लोग दूसरे का जलाएंगे देखकर। तो इसमें बहुत सारे चीज़ आएंगे, आप लोग एक्सप्लोर करते करते थक जाएंगे, इतना थिंग्स आएंगे। तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में आईपी और पोर्ट मिल जाएगा। तो ये स्क्रीन पर जो लिखा हुआ है ना, वो आईपी नहीं है, वो एकदम एक नंबर का रॉन्ग आईपी है, क्योंकि मैंने खुद से ट्राई करके देख चुका हूँ, क्योंकि आपके लिए एक्सपेरिमेंट कर लूँगा। तो आप लोगों को आईपी पोर्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर एक पोर्ट काम ना करे तो दूसरा पोर्ट लगा कर देख लीजिएगा। तो आप लोगों को सर्वर का इन्फॉर्मेशन पूरा का पूरा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में, डिस्कॉर्ड ये सबका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो आप लोग ये सर्वर को जरूर से ज़रूर ज्वाइन करिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वाली वीडियो में बस इतना ही, आप सभी से मुलाकात होगी नेक्स्ट वाली वीडियो में। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय दोस्तों।